रुद्रपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, यहाँ एक व्यक्ति ने एक परिवार के 4 लोगों पर उससे 1 करोड़ रुपए की ठगी कर फरार हो जाने का आरोप लगाया है। बता दें, मॉडल कॉलोनी रुद्रपुर के रहने वाले आदित्य ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वो गाबा चौक स्थित आरबी ओवरसीज का पार्टनर है। आरबी ओवरसीज के तीसरे पार्टनर अंश मलिक और उसके पिता राजेश कुमार ने उससे वीजा फाइलिंग के व्यवसाय के लिए 1 करोड़ रुपए लिए, जिसमें 60 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर और 40 लाख रुपए नगद शामिल थे। आरोप है कि ये लोग 2 मार्च 2024 से अपने घर से फरार हो गए और अपने सारे मोबाइल नंबर बंद कर दिए। बता दें, पुलिस ने तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से है, जहां एक बुजुर्ग को वीडियो कॉल कर सेक्स टॉर्शन की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने बुजुर्ग को ब्लैकमेल कर 11 लाख रुपए ठग लिए। जानकारी के मुताबिक, मैत्री नगर रिशाली के रहने वाले पीड़ित के मोबाइल पर 27 अगस्त को एक वीडियो कॉल आया, जिसे रिसीव करने पर एक महिला आपत्तिजनक स्थिति में नजर आई। बुजुर्ग ने महिला को देखते ही फोन काट दिया, लेकिन फोन काटने के कुछ सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड आरोपियों ने बना लिया। बता दें, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आरोपियों ने अलग अलग नंबरों से फोन कर पीड़ित को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देनी शुरू कर दी, जिससे बुजुर्ग डर गया और उसने आरोपियों के बताए गए QR कोड और खाता नंबरों पर अलग अलग किस्तों में कुल 11,59,000 रुपए भेज दिए। इतने रुपए लेने के बाद भी जब आरोपी लगातार ब्लैकमेल करते रहे, तब पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।